हाय हेलो वेलकम सर, उसने क्रिटिक्स बंदे का नाम। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं सब? तो यू नो आज का जो व्लॉग होने वाला है थोड़ा सा रिपेयरिंग व्लॉग होने वाला है। वजह क्या है मैं आपको दिखा। तो एज यू गैस कैन सी कि दिस इज माय गेमिंग माउस। अब ये गेमिंग माउस कैसा है ये आप देख सकते हैं। आपको होता है कि मैं पीटी सेल पे गेमिंग करता था, तो ये जो थोड़ा सा मैंने ख़राब किया था वो इसलिए कि ये मैं नया ले के आया, और जिस दिन मैं ले के आया उस दिन नेट कुछ ज़्यादा गंदा आ रहा था, और मैं गेम में बार बार नेट की वजह से मार रहा था, और फिर मैंने इसको यूं करके खींचा तो ये टूट गया। फिर मैंने एलफी लगा के ऊपर पेपर लगा के इसको चिपका दिया। 2 साल 3 साल गुजर गए हैं, ये माउस ठीक चल रहा है, और रात ये हुआ कि इसका स्क्रॉल भी जो है फ्री हो गया। ये देखें कितना घूम रहा है, इतना घूमना नहीं चाहिए। बंदा चला भी सकता है, गरारी बना दिया, या तो अंदर से निकल गया या फिर मुझे शक ये पड़ता है कि ये टूट गया है। लेकिन ये इस तरह फ्री नहीं है, ये बटन प्रेस हो रहा है, तो खोल के चेक करना पड़ेगा। बाकी मैं एक्स्ट्रा माउस ले कर आया हूँ, ये वजन रेजर के 20वीं कॉपी थी, ये 2 दिन भी नहीं चली, और ये इधर से इसके कोई तार का मसला था, बार बार डिस्कनेक्ट होती है। डोंट नो क्या हिसाब किताब है। मैं सोच रहा हूँ अगर तो स्क्रॉल व्हील का कोई इशू अंदर से ना हुआ, बस इसके कोई चीज़ टूटी हुई हो, तो फिर मैं ऐसे सारे रिप्लेस कर दूंगा। नहीं तो मेरे पास बस ये भी है, और भी बड़े माउस है यार, मुकते ही नहीं। बाकी जी बाजार में मेरे पास ये 2 चीज़ें हैं, इन 2 चीज़ों की मदद से मैं ये खोलने वाला हूँ। और मैंने सोचा क्यों ना इसका एक छोटा सा व्लॉग बना लिया जाए और आप लोगों से शेयर किया जाए, तो वही मैं करने वाला हूँ। बाकी मेरा नहीं ख्याल कि ये खोलना इतना आसान है, ये पता नहीं किधर से खोलता है, या तो ये हॉट ग्लू करके उन्होंने चिपकाया हुआ है। इसको कोई समझ नहीं आती मुझे पहले भी समझ नहीं आई इसकी। एक नट तो यहाँ पे लगा हुआ है, उसके बाद ये कहाँ से खोलता है दोनों। लेकिन ये स्क्रॉल व्हील में देख रहा था, ये और ये इनका तो कॉम्बिनेशन नहीं है। इसका शायद थोड़ा बहुत हो सकता है, लेकिन फर्स्ट पास के, लेकिन लेट सी क्या। मेरे पास बड़े माउस पड़े हैं, देखते हैं क्या बनता है। तो लेट द ऑपरेशन बिगिन, हम स्टार्ट करते हैं। बाय द वे मेरे बालों के बारे में हम बात नहीं करने वाले, बाल थोड़े से ऊपर नीचे बैठे हो रही है मक्खी। तो कम ऑन लेट स्टार्ट। वेलकम बैक एवरीवन। तो मैंने ये अभी खोला है, तो हिसाब किताब ऐसे है कि ये थोड़ा सा गीला सा फील हो रहा था, आई डोंट नो क्या हिसाब है। और कुछ चीज़ ख़राब तो नहीं लग रही, मुझे लगता है ये जो अंदर से होता है ना, ये आई थिंक खराब हो गया, आई थिंक सो एटलीस्ट। लेकिन लेट्स सी व्हाट हैपेंस। ए फ्यू मिनट्स लेटर। वेलकम बैक एवरीवन। तो मैं आपको पता चलूँ मैंने क्या काम किया। मैंने जो इसका स्क्रॉल व्हील था वो इसमें अड़ाया तो है, बड़ा मौका है, और अब ये थोड़ा फंस फंस के चल रहा है। लेकिन क्या हिसाब है देखते हैं, शायद ये फ्री हो जाए। इसको यूज़ बार बार किया तो ये प्रेस नहीं कर रहा दादा, थोड़ा सा सख्त है, ज़ाहिर है उसका है जो नहीं। लेकिन लेट सी क्या बनता है, आई डोंट थिंक सो ये ज़्यादा ख़राब होगा। वेलकम बैक एवरीवन। ये मैंने भी पेज वगैरह लगाए, मुझे लगा मैं देर से टाइम लैप्स रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो वो नहीं था भजन, ये लग तो गया है। और ये मुझे जो पता चला है वो इशू ये है कि ये इसका आगे से टूट गया, फोकस हो जाए, अलग करे अगर ये फोकस हो गया तो। ये आपको मैं दिखा देता हूँ कि ये जो चीज़ होती है ना इसके आगे थोड़ी सी एक्सटेंड होती है, वो थोड़ी टूट गई थी। तो वैसे स्क्रॉल व्हील अंदर से वो ठीक है उसका, लेकिन अब मैंने जो है एहतियातन ये फंसाया, लेकिन ये काफ़ी जोर ले रहा है, आप देख सकते हैं, प्रेस नहीं हो रहा, ऐसी बात नहीं है, वैसे जोर ले रहा है, ज़ाहिर है इसका अपना जो नहीं है। लेकिन मेरा गुजारा शायद चल जाएगा, आई थिंक सो चल जाएगा, फोकस नहीं कर रहा, पता नहीं इसको क्या मसला है। ये अब जो टूट गया है इसका क्या करेंगे, वापस इसमें इस खराब माउस में लगा देंगे, फिर देखते हैं क्या बनता है। पहले भाई जब हम आगे जाए मैं आपको ये पता चलता हूँ कि ये जी फेक माउस और कॉपी माउस का स्कैम, भारी बनाने के लिए अंदर ये पत्थर लगाते हैं। नाइस, दोनों माउस इस टाइम जुड़ चुके हैं। अब मैं जा रहा हूँ उसको टेस्ट करने के लिए, होपफुली कि ये गुजारा मेरा चला देगा। आई होप सो कि चल जाएगा गुजारा, लेकिन शायद नया लेना पड़ जाए। मैंने इसको भी चेक किया, इसकी बार बार जो है कनेक्शन डिस्कनेक्ट होता था, तार टू खराब नजर तो नहीं आई, लेकिन शायद ये कॉपियों का ये हिसाब होता है। मैं जाके इसको टेस्ट करता हूँ और फिर आपको अपडेट देता हूँ। बाकी मिलते हैं फिर आपसे थोड़ी सी देर के बाद। तो मैंने अभी ये माउस को लगाया इधर, जो स्क्रॉल व्हील है इसका चल रहा है, ये देखें स्क्रीन के ऊपर, मैं आपको ये दिखाता हूँ। ये मैं स्क्रॉल व्हील से नीचे कर रहा हूँ और ये स्क्रॉल व्हील से नीचे हो रहा है। तो मैंने आपको दिखाया था वो साइड वाला टूट गया था, लेकिन अब इसका स्क्रॉल व्हील का एक मसला ये है कि ये ज़ाहिर इसका है नहीं ना, तो ये काफ़ी इशू का है, ये काफ़ी फंस फंस के चल रहा है, जोर ले रहा है। खैर अभी के लिए गुजारा चलाना पड़ेगा, और मैं ये सोच रहा हूँ कि फिर किसी और माउस से निकाल के लगाऊँ जो इसमें फिक्स आ जाए। मुझे लगता है वो जो टूटा है ना, वो जो प्लास्टिक सा वो पुराने वाले स्क्रॉल व्हील का, वो इसके अंदर ही अभी भी तभी आई थिंक सो, लेकिन अभी काम कर रहा है, हमें और क्या चाहिए। तो उम्मीद है फिर आपने मेरा आज का छोटा सा रिपेयरिंग व्लॉग जो किया होगा, अगर आप एंजॉय किया तो प्लीज लाइक करें। और ईद बहुत करीब आ चुकी है, तकरीबन लास्ट 5 रोजे रह गए हैं, और ये बक्खी मुझे फिर जलील कर रही है यहाँ। तो मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, अपना ध्यान रखें तब तक के लिए।